नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया अपना एमपी का, शुरुआत कर रहे हैं खरगोन से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां हथियारों के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 अवैध पिस्टल बरामद किए गए हैं। 1 सिकली गर को भी पुलिस ने पकड़ा है। 1,18,000 के हथियार जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हथियारों के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने यहां पर 3 पकड़े गए हैं। 13 अवैध पिस्टल इनसे मिली है। 1 सिकली गर को भी पुलिस ने पकड़ा है। 1,18,000 के हथियार जब्त किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जिसमें कि इंटरस्टेट गैंग के लोग पकड़े गए हैं। फायर आर्म्स को लेके, इलीगल फायर आर्म्स को लेके लगातार हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। 2023 में अभी तक 82 अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें कई दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं सर। इसके अलावा 295 इलीगल फायर आर्म जब्त हुए हैं। ऐसे अपराधी जो इस प्रकार के अवैध हथियार बनाने में लिप्त हैं, उनके अगेंस्ट राष्ट्रवाही कार्रवाई भी की जा रही है और लगातार ये ऑपरेशन संचालित कर रहे हैं, जिससे कि इस प्रकार का जो नेक्सस है उस पर लगाम लगाई जा रही है। ये 3 आरोपियों को गिरफ्तार। आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ी कामयाबी मिली पुलिस को यहाँ? असल में ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय ग्रोह के 2 तस्कर जो जिनको पकड़ा है, अंतन बदमाश जो कुणाल है, दोनों पे कई गंभीर आरोप है और पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। खंडवा रोड पर जो जेतापुर चौकी के प्रभारी दीपक यादव, मेनका थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी, इनके द्वारा कार्रवाई की गई है। मौके पे इनको रंगे हाथों पकड़ा। इनके पास से 13 अवैध जो है पिस्टल भी जब्त किए गए, साथ ही 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किए। अपर्णा, इसमें खास बात यह है कि ये जो एसपी धर्मवीर सिंह ने जब पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने खुलासा किया कि ये जो अवैध, इन पे मेड इन जापान लिखा हुआ था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अवैध हथियारों की जो धरपकड़ को लेकर जो पुलिस के द्वारा खरगोन जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसमें इस कार्रवाई को इसलिए बड़ा माना जा रहा है कि ये महाराष्ट्र के पुणे से आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी से हमारी बातचीत हुई, एसपी धर्मवीर सिंह का कहना है कि अब इन जो दोनों आरोपी पुणे के पकड़ा है, ये शातिर बदमाश है, इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और इनका नेटवर्क मोबाइल साथ ही बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे। आप शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बालाघाट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पोस्टल बैलेट मामले में एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। तहसीलदार के बाद एसडीएम पर गाजगिरी है। डाक मत पत्र का वीडियो वायरल होने का ये मामला है। तहसील दफ्तर स्थित स्थायी स्ट्रांग रूम का वीडियो वायरल हुआ था। तहसीलदार के बाद बालाघाट और ओएसडीएम पर गाजगिरी है। एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित किया गया है। निर्वाचन कार्य में उनके स्थान पर डेप्यूटी कलेक्टर राहुल नायक को अप्रभार सौंपा गया है। तहसीलदार के बाद एसडीएम पर यह कार्रवाई की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने निलंबित किया है। इधर बालाघाट मामले पर कांग्रेस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उसने कलेक्टर को हटाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी को हटाने से काम नहीं चलेगा। पोस्टल बैलेट मतगणना से 1 दिन पहले खोली जाती है, कलेक्टर ने 5 दिन पहले कैसे खुलवा दी? कार्रवाई क्या हुई है? तो कार्रवाई करने की लीपापोती की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। मुझे आश्चर्य बात का, जो व्यक्ति मेन जिम्मेदार है, जिले का कलेक्टर जिम्मेदार है, उसके बिना चुनाव की प्रक्रिया पत्ता नहीं हिलता है। आप उससे ही कह रहे हैं कि जांच करो। हमने उनकी शिकायत की कलेक्टर की, कलेक्टर के कहने पर यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, आप ऐसा कार्रवाई भी करें। उन्होंने जांच ही उनको दे दी। उनने पहले एक पटवारी को, तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया, आज सुना है कि उन्होंने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। अरे खुद सस्पेंड किए आएंगे, उनको सस्पेंड होना चाहिए। जब ये नियम है कि गणना के 1 दिन पहले ही पोस्टल बोर्ड की गणना के लिए दूसरे जाएंगे स्ट्रांग को, तो कैसे खुले गए? डाक से आने का कोई प्रोविजन नहीं है, डाक से कोई मतपत्र नहीं आ रहे हैं। जो कह रहे हैं ना, छुट्टी का दिन था 27 तारीख को, उस दिन गुरु नानक जयंती छुट्टी थी, उस दिन छुट्टी के दिन खोल गए। ये कार्रवाई सिर्फ गौरशंकर मिशन के सारे पे की गई है, उसे लाभ पहुंचाने के लिए की गई है, क्योंकि वहां कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा और गौरशंकर मिशन के 2 साल संबंध।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बालाघाट मामले पर कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ही काम हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपने संज्ञान में कार्रवाई कर रहा है। ऐसा संभव नहीं है किसी शासकीय कर्मचारी के वोट डालने से उसे रोका गया हो। जो वोट नहीं डाल पाए वो अलग बात है, पर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, लेकिन हमारे जो मजदूर फंसे थे उनकी लगातार मिनट टू मिनट चिंता करना, और उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूँ, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को तो बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो बेहतर प्रबंधन किया और उसके आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने दिनों बाद सभी मजदूर भाइयों को सुरक्षित निकालना, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी, वहाँ के मुख्यमंत्री और सरकार और जिन लोगों ने काम किया वो सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा, जहां उन्होंने बीजेपी पर मतगणना को प्रभावित करने का आरोप लगाया। कहा कि 24 घंटे हमारे एजेंट स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात हैं। बिना एजेंडे की बैठक बुलाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को, मुख्यमंत्री जी को, सरकार को लग गया है क्योंकि हालत खस्ता है। अब 3 तारीख को काउंटिंग है, उसको कैसे अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे दबाव डाला जाए, इसका एक बालाघाट की जो वायरल हुई है, जो पोस्टल बैलेट्स को जिस तरह से तारीख के पहले उनको वहाँ चटनी हो रही है, और बगैर जनप्रतिनिधियों के जो चुनाव लड़े उनके प्रतिनिधियों की बगैर मौजूद, क्योंकि ये सब बता रहा है कि ये सब हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित ये जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने इनके पक्ष में मतदान नहीं किया है, ये हेरा फेरी करने के चक्कर में, दबाव डालने के उसमें है, लेकिन कुछ होगा नहीं। इस समय जनता से लेके, कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेके जो अधिकारी हैं, जो समझ गए हैं कि सरकार जाने वाली है, वो भी सजग हैं। सीहोर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुधनी विधानसभा के भैरुंदा पहुंचे सीएम, अपने क्षेत्र के मतदाताओं का आभार जताया, कार्यकर्ता समागम के जरिए आभार जताया। गोपालपुर गिलहरी में भी कार्यकर्ता समागम का आयोजन। सब बोलो ना, याद है, और आपने कहा था कि फार्म भर के फिर मत आना, वोट डालने आना, हम रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे, ये भी याद है। तो मैं तो अपना वचन पूरा कर रहा हूं, सरकार बन रही है, निश्चित तौर पर बन रही है। 3 तारीख को परिणाम आने वाले हैं, और सचमुच में आज मैं आपकी मेहनत को प्रणाम करने आया। मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सब कार्यकर्ता बहन और भाइयों को जो यहां है और जो वहां भी है सीढ़ियों पे और इधर भी है, इस तरफ भी है, और कुछ अपने आप को नहीं रख पाए, भोजन की तरफ भी चले गए। कार्यकर्ता अपने नेता का चुनाव में विशेष ख्याल रखते हैं, बैनर पोस्टर से लेकर झंडा उठाने तक कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसका खासा ध्यान रखा जाता है। प्रदेश में चुनाव हो चुका है और प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद है, लेकिन इंदौर के कुछ ऐसे उत्साहित कार्यकर्ताओं की तस्वीरें सामने आई हैं, जो काउंटिंग के पहले ही अपने नेता को जीत की अग्रिम बधाई दे रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। 3 तारीख के दिन मध्य प्रदेश में मतगणना होना है और उसी दिन सब कुछ तय हो जाएगा, जनता का जनादेश किसके साथ गया है। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर मौजूद हूं और मालवा मिल चौराहे से आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। महेन धाड़िया तस्वीर में नजर आएंगे, विधानसभा 5 से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल हैं।
कांटे की टक्कर वाला ये मुकाबला रहा, कांटे की टक्कर रही इस सीट पर। लेकिन जो कार्यकर्ता है वह अति उत्साहित है, पोस्टर ही लगा दिया, महेंद्र हाड़िया जी को जीत की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। 3 तारीख को फैसला आना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर पोस्टर लग गए, जीत की शुभकामनाएं भी दे दी। कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को जीत की शुभकामनाएं दे दी। 3 तारीख को रिजल्ट बाकी आएगा, लेकिन ये सिर्फ तस्वीर जो है वो सिर्फ मालवा मिल चौराहे की नहीं है, अलग अलग चौराहे पर ऐसे कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें कार्यकर्ता अति उत्साहित में अपने नेताओं की जीत की बधाइयों वाला पोस्टर लगा चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डगला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश को गुरुवार को नया सीएस मिल सकता है। वीरा राणा को बनाया जा सकता है नया सीएस। मौजूदा सीएस इकबाल सिंह बैंस 30 नवंबर को हो रहे हैं रिटायर। वीरा राणा को मिल सकती है सीएस की जिम्मेदारी। संजय बंदोपाध्याय, अजय तिर्के के नाम भी दौड़ में शामिल हैं। सबसे आगे 1988 बैच की वीरा राणा का नाम शामिल है। 30 को कैबिनेट बैठक के दौरान हो सकता है उनके नाम का ऐलान। शिवराज सरकार की आखिरी कैबिनेट, कल सभी मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों को बुलाया गया। निर्मला पुच के बाद दूसरी महिला सीएस होंगी वीरा राणा। सतना शहर के नई बस्ती गणेश नगर में अंबेडकर प्रतिमा टूटने पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा है और समझाने का दौर जारी है। हालांकि अंबेडकर मूर्ति तोड़े जाने की खबर पर बड़ी तादाद में बाबा साहब के अनुयायी इकट्ठा हुए और धरना शुरू कर दिया। इनकी मांग है कि यहां दोबारा मूर्ति लगाई जाए और सीसीटीवी के साथ ही पार्क को और विकसित किया जाए। सिवनी के भोमा गांव में बाइक सवार नहर की पुलिया से टकराया। टक्कर की वजह से युवक बाइक के साथ ही नहर में गिर गया। नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई। असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई है। इसके पहले भी 5 साल पहले भी 2 बार तोड़ी गई है। हम लोगों की मांग है कि ये बाउंड्री और इस पार्क का पूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण, फिलिंग करके, पानी निकासी करके और कैमरा लाइट फिटिंग सब कराया जाए। यहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति कई सालों से स्थापित थी, कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उसको थोड़ा सा तोड़ दिया है तो वो मूर्ति टूट गई। इसको लेकर जो है लोगों में आक्रोश था, तो आज नगर निगम के माध्यम से वो मूर्ति स्थापित की जाएगी और यहाँ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। शिवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शिवेंद्र, लोगों को आश्वासन तो दिया गया है कि मूर्ति लगाई जाएगी, पार्क को पार्क का डेवलपमेंट कराया जाएगा, क्या अब तक मूर्ति लगा दी गई है और क्या लोगों को मनाने में प्रशासन कामयाब रहा है? देखिए, प्रशासन के आश्वासन के बाद जो धरना प्रदर्शन चालू हो गया था वो खत्म हो गया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही यहाँ पे नई मूर्ति स्थापित की जाएगी, साथ में पार्क को विकसित किया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज लगाए जाएंगे। जो प्रदर्शनकारी थे उनकी जो मांगे थी उनको मान ली गई है और 5 तारीख मतलब 3 दिसंबर को काउंटिंग है। काउंटिंग के बाद 5 दिसंबर से ये कार्य शुरू होगा। इस पे आम सहमति बन गई है और जो आक्रोश था वो शांत हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं सिवनी की, जहां के भोमा गांव में बाइक सवार नहर की पुलिया से जा टकराया। टक्कर की वजह से युवक बाइक के साथ ही नहर में गिर गया। नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव और बाइक दोनों को ही बाहर निकाला। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। अनूपपुर जिले में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर महिला से लाखों की ठगी की गई, जहां ठगों ने महिला के खाते से 1,74,000 रुपए पार कर दिए। इसकी शिकायत पीड़ित महिला ने बिजूरी थाने में दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने ऑनलाइन शॉपिंग में 343 रुपए में एक लॉकेट खरीदा था। लॉकेट पसंद न आने पर पीड़ित ने उसे वापस कर दिया, लेकिन कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया तो पीड़ित ने कंपनी के नंबर पर कॉल करते हुए शिकायत दी। इस दौरान कंपनी के अज्ञात शख्स ने पीड़ित महिला को एक ऐप डाउनलोड कर बैलेंस चेक करने के लिए कहा, जिसके बाद पीड़ित ने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया तो 343 रुपए वापस नहीं मिले, लेकिन महिला के 2 बैंक अकाउंट से 1,74,000 रुपए गायब हो गए। तो इसकी शिकायत पीड़ित ने अब बिजूरी थाने में दी है।
हाँ, कल वंदना सोनी आई थी यहाँ, माइनस कॉलोनी की रहने वाली है। उसने सॉफी सॉफी एक कंपनी है, वहाँ से एक लॉकेट 343 रुपए में खरीदी थी। उसके बाद जब वो सामान आ गया था तो उसे पसंद नहीं आया, तो उसने रिटर्न किया उसे, और जो 343 रुपए था रिफंड नहीं आया था। तो उसने गूगल में सर्च किया और उसके बाद कस्टमर केयर का नंबर लिया, फिर उस नंबर में बात की, तो वहाँ वो फर्जी था और उसने डाउनलोड करवाया, ऐप डाउनलोड करवाया, जिससे उसके अकाउंट से 1,74,000 रुपए निकल गया। झाबुआ के मेघनगर में दूषित पानी की वजह से एक बछड़े की मौत हो गई। गांव वालों का कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी की वजह से बछड़े और मछलियों की मौत हुई है। हालांकि मेघनगर के एसडीएम का कहना है कि अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं आई। एसडीएम मुकेश सोनी ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही मृत जानवरों के शव का परीक्षण करवाया जाएगा, साथ ही नाले के पानी के सैंपल को भी जांच के लिए भेजा जाएगा। जो संतान की प्राप्ति के लिए मन्नतें रखी जाती हैं, उसी संतान को जन्म के बाद पालने में लिटाकर नदी की धारा में छोड़ा जाता है। यहां तक नदी का दूषित पानी भी प्रसाद कहकर पिलाया जाता है। बैतूल की भैंसदेही तहसील के पूना मेला में परंपरा के नाम पर मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है। इतना ही नहीं, बेटा बेटी एक समान के दावे भी यहाँ किताबी नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकतर ऐसे लोग आते हैं जो संतान के रूप में बेटों के जन्म की मन्नतें मांगते हैं। आस्था और कुरीतियों से भरा ये मेला हर साल पूना नदी के तट पर एक महीने तक चलता है। खबर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से है, जहां जानवरों को ठंड से बचाने की खास व्यवस्था की गई है। वन्य जीवों के पिंजरों में एनक्लोजर, बाड़ों में वुडन बॉक्स, घास, कंबल, जाली बिछाई गई है। ठंड से बचाने के लिए वन्य जीवों के कमरों में छोटे बल्ब से लेकर हेलोजन लाइट तक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर में बदलते मौसम के साथ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को देखने के लिए भीड़ लगती है। टूरिस्टों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।